इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीख लिया है। अब ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में हम एस्ट्रोसेट और एस्ट्रोनॉट के बारे में समझेंगे। मेनली ये टॉपिक एस्ट्रोसेट का है, लेकिन एस्ट्रोनॉट के बिना एस्ट्रोसेट सैटेलाइट कोई काम की नहीं, तो इसलिए इस टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं। एस्ट्रोसेट एक प्रकार की सैटेलाइट है, लेकिन इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सैटेलाइट क्या होती है और सैटेलाइट का काम क्या होता है। तो देखो, ऐसी कोई चीज जो किसी सेलेस्टियल बॉडी का चक्कर लगा रही हो, उसे सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे कि अर्थ का मून हमारी अर्थ का चक्कर लगा रहा है, तो जो मून है वो अर्थ की सैटेलाइट है। वैसे ही हमारी अर्थ सन का चक्कर लगा रही है, तो हमारी अर्थ सन की सैटेलाइट हुई। लेकिन ये सारी तो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। हमारे साइंटिस्ट लोगों ने स्पेस में चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बना दिए हैं, ताकि वो उससे डेटा प्राप्त कर सके। इन सैटेलाइट्स को बनाना बहुत ही मुश्किल है। कभी साइंटिस्ट फेल भी होते हैं तो कभी सक्सेसफुल भी। इनको बनाने के लिए रॉकेट साइंस पढ़नी पड़ती है, जो कि अभी आपके काम की नहीं है। लेकिन आप एक ड्रीम बना सकते हो कि आगे जाकर हम भी रॉकेट साइंस को पढ़ेंगे और इंडिया के लिए अच्छी अच्छी सैटेलाइट्स बनाएंगे। तो ऐसे ही इसरो ने भी एक जबरदस्त सैटेलाइट बना दी, जिसका नाम है एस्ट्रोसेट। इसरो हमारे इंडिया का एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्पेस को एक्सप्लोर करता है और नई नई चीजों की डिस्कवरी करता है। तो वैसे ही इसरो ने बनाया एस्ट्रोसेट। इसको लॉन्च किया था 2015 में। लेकिन इसको लॉन्च करने का पर्पस क्या है? तो देखो, जब भी साइंटिस्ट किसी सैटेलाइट को बनाते हैं, तब उनका कोई ना कोई पर्पस होता है। वो लोग ऐसे ही किसी सैटेलाइट को नहीं बना लेते कि चलो आज हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं और इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका के प्रेसिडेंट को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको बनाने के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। तो ऐसे ही एस्ट्रोसेट को बनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। मैं पहले की वीडियो में भी बात कर चुका हूँ कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट से आ रही लाइट को देखने के लिए अलग अलग वेवलेंथ के टेलीस्कोप चाहिए। तो ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो मल्टीपल वेवलेंथ को देख पाती है, क्योंकि इस सैटेलाइट में अलग अलग टेलीस्कोप लगे हुए हैं। एक है अल्ट्रावायलेट रे वाला टेलीस्कोप और दूसरा है एक्सरे टेलीस्कोप। इन टेलीस्कोप्स के अलावा इस सैटेलाइट में और भी बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, और उन पार्ट्स को भी इंडिया ने ही बनाया है। और ये सैटेलाइट कंटिन्यूसली हमारे अर्थ का चक्कर लगाती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इन सैटेलाइट्स को फ्यूल कौन देता है? तो इसमें कोई फ्यूल नहीं होता है। इसमें ये सोलर प्लेट्स लगी हुई होती है, जिस पर कंटिन्यूसली सन की रेज गिरती है, और इससे ये पूरी सैटेलाइट ऑपरेट करती है। इस सैटेलाइट का काम ये है कि ये इन रेज को कलेक्ट करके इसरो तक पहुंचाती है, और इसरो के साइंटिस्ट इनको एनालिसिस करते हैं। ये तो हमने समझ लिया एस्ट्रोसेट के बारे में। अब हम समझते हैं कि एस्ट्रोनॉट कौन होता है और वो क्या काम करते हैं। तो देखो, एस्ट्रोनॉट वो लोग होते हैं जो स्पेस में जाते हैं। लेकिन क्या कोई भी इंसान स्पेस में जा सकता है? तो आंसर है नहीं। इन एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ट्रेनिंग दी हुई होती है, ताकि यहीं से ही वो वेल प्रिपेयर्ड हो और हर सिचुएशन के लिए तैयार हो। उसके बाद ही उनको स्पेस में भेजा जाता है। हमारे स्पेस में साइंटिस्टों ने स्पेस स्टेशन बनाए हैं, जैसे कि हमारे बस स्टेशन होते हैं या रेलवे स्टेशन होते हैं। कि हमें दूर तक जाना हो तो पहले हमें इस स्टेशन पर जाना पड़ता है, और वहां से हमको बस या ट्रेन चेंज करके दूसरे स्टेशन तक पहुंचना पड़ता है। तो उसी तरह एस्ट्रोनॉट्स को कहीं दूर तक जाना हो तो पहले वो स्पेस में इस स्टेशन तक पहुंचते हैं, और उसके बाद वहां तक जाते हैं। अभी तक स्पेस में दो स्पेस स्टेशन लॉन्च हो चुके हैं। पहला स्टेशन 5 अलग अलग कंट्रीज ने मिलकर बनाया, जिसमें US, जापान, यूरोप, रशिया और कनाडा, ये 5 देश है। और दूसरा अकेले चाइना ने ही बना डाला। इसमें हमारे इंडिया का नाम नहीं है, क्योंकि हमारा इसरो बहुत लेट बना था। और जल्द ही हमारे इंडिया का भी एक स्पेस स्टेशन आने वाला है, गंगायान नाम से, जो कि इसरो बना रही है। ये स्पेस स्टेशन एक पूरे घर की तरह होता है, जहां पर एस्ट्रोनॉट्स को सारी सुविधाएं प्राप्त होती है, और वहीं बैठे बैठे ये लोग स्पेस की रिसर्च करते रहते हैं। तो इन दोनों टॉपिक के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर भी फिनिश होता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।